हम बात करेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में, जिसके अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है और जिसका 3-4 साल से केस चल रहा था। 2018 में इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बट व्हाट आर द बेसिकली इन दिस स्कीम? इस स्कीम में बात यह थी कि एक तरह से गवर्नमेंट ने कही थी कि जो ब्लैक मनी है उस पर रोक लगेगी और पैसा जो है बैंकिंग से सर्कुलेट होके आएगा, और ये गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दी थी SBI बैंक के थ्रू। यानी कोई भी आदमी अगर इस स्कीम में बेसिकली ये है कि कोई भी आदमी अगर आप या मैं फंडिंग करने चाहते हैं किसी पार्टी को जिसे हम लोग पसंद करते हैं, तो हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेंगे SBI से और SBI उस पैसे को कैश इन करके देगी पार्टीज को, और वो जो जो अकाउंट्स होंगे वो वेरीफाई तो होंगे क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से ये आया हुआ है। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि वेरीफाई KYC अकाउंट होंगे और अंडर द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 29A के हिसाब से जो पार्टी रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में और जिनके 1% से ज्यादा वोट्स हैं, वो ऐसे इस तरह से इसका यूज करते हुए चंदा या फंडिंग ले सकती है जो भी फंड देना चाहता है। बट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन करता है, यानी राइट टू नो को वायलेट करता है, जिसका इस आर्टिकल का सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंशन करते हुए राइट टू नो बनाया था कि जानने का भी अधिकार है। अगर कोई किसी चीज के बारे में जानना चाहता है तो ये भी एक राइट है, जैसे राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19 में जिसके बारे में बात होती है। तो उसी को इसका एक्सपेंशन का वायलेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है और किसी भी एक आदमी को जानने का अधिकार है कि बेसिकली इस पार्टी के पास कहाँ से कितना पैसा फंडिंग में आया है। और गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये जो पैसा बैंकिंग से सर्कुलेट होके आएगा, लेकिन तो ये एक ट्रांसपेरेंसी इसमें रहेगी और ये जो पैसा जो रहेगा जिस भी पार्टी, और लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें ये कही थी कि कोई भी इसको आदमी के वो जानने का अधिकार नहीं है इसके बारे में कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है कैसे आया है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इसमें दलीलें दी गई थी कि ये फिर उसकी सीक्रेसी का एक वायलेशन है, कोई आदमी अगर फंडिंग करता है उसका तो ये, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है नकार दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक देखा जा रहा है इलेक्शन से पहले, क्योंकि पार्टियों के पास बहुत सारे चंदा फंडिंग आती है और उनको कोई उनपे होती नहीं है। और बेसिकली ये यही कहता था, इसको कांग्रेस ने रिट पटिशन फाइल किया था अक्टूबर 2019 में और फिर इस पे अक्टूबर 2023 में सुनवाई होती है और फाइनल वर्डिक्ट अब आता है। जो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील है प्रशांत भूषण, उन्होंने इस पे यही कहा है कि एक डेमोक्रेसी की हिस्टोरिक जीत है और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, राइट टू नो है सभी को तो एक अच्छी चीज है, और ये एक इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा एक वर्डिक्ट देखने को मिला है इंडिया।